हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक मिड कैप का बहुत ही बढ़िया स्टॉक मैं इसको कहूँगा। लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आने से पहले बड़े स्टॉक तो छोड़िए, छोटे स्टॉक्स में भी हलचल तेज हो जाती है। और हलचल तेज ऐसे हो जाती है, खास करके मिड कैप के स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये हरकत जो है कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। आप देखिए, नोटिस करिए, मिड कैप का अगर अच्छा रिजल्ट आने वाला होगा तो उस स्टॉक में पिछले 10-12 दिन से हरकत आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही स्टॉक में भी देखने को मिला, Q2 नतीजे से अच्छे हों तो अच्छे स्टॉक्स में पहले ही मूवमेंट ये दिखा देते हैं अच्छे स्टॉक्स। चलिए एक नज़र देखते हैं स्टॉक को, जिससे आपको देखने को मिलेगा भाई कैसी मूवमेंट थी और रिजल्ट कैसा रहा, कितना अच्छा ये परफॉर्मेंस है। और रिजल्ट जैसे कि सैटरडे को ये रिजल्ट आया था, सैटरडे को रिजल्ट आने के बाद मुहूर्त ट्रेडिंग जो कि 27 अक्टूबर 2019 को देखी थी, एक घंटे की जो ये मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उस पर इसका असर भी देखने को मिला। इतना ज़बरदस्त असर, आप ये मान के चलिए कि वन ऑफ द टॉप ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखने को मिला है। और जानते हैं इसका रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइजर लिमिटेड। ये देखिए, अब जो रिजल्ट आया था वो 2 बजे के आसपास सैटरडे 26 अक्टूबर को ये रिजल्ट आया था, यानी कि मार्केट ऑलरेडी क्लोज थी फ्राइडे क्लोजिंग आवर्स के बाद ये सैटरडे आया। सैटरडे संडे दिवाली थी, दिवाली के उपलक्ष में मार्केट बंद थी और साथ में मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उस पर आप सीधे सीधे इसका असर देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको फाइजर की अगर डिटेल दिखाऊँ तो देखिए, एक फार्मा प्रोडक्ट्स का एक मिड कैप का एक ज़बरदस्त प्लेयर ये माना जाता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए क्या प्रोडक्ट्स ये बनाता है, एक वन ऑफ द टॉप स्टॉक मैं कहूँगा इसको फार्मा सेक्टर में। अगर आप देखोगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अभी का प्राइस आप देखिए 34.93 के आसपास का। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टॉक की डिटेल देखोगे तो क्या मूवमेंट इसने दिखाया, 262। ये देखिए, फ्राइडे को क्लोजिंग 34.93 पे थी और जब ये संडे को जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, यहाँ पे 262 रुपये का जंप देखने को मिला, 262 रुपीज़, ऑलमोस्ट 7.5% का ये जंप था। ओवरऑल देखोगे तो हाई जो बनाया इसने 3784 का हाई बनाया, जो कि काफ़ी ऊपर है। क्लोज ही ये बहुत अच्छी ओपनिंग क्लोज हुआ था 34.93 पे, लेकिन ओपनिंग गैप अप ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग देखने को मिली, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब ये स्टॉक में 32% का जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जिसमें 1,17,000 शेयर्स जो है ट्रेड हुए और डिलीवरी 37,000 की डिलीवरी देखने को मिल रही है शेयर्स की। अब देखते हैं रिजल्ट इतना अच्छा आया, कितना अच्छा आया भाई, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी मूवमेंट इसमें हुई थी रिजल्ट से पहले। पहले आप देखिए रिजल्ट, रिजल्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये आया था सैटरडे को 1-2 बजे के आसपास, लेकिन आप रिजल्ट देखिए और समझिए, सारी नंबर्स जो है करोड़ में है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, जो भी मैं आपको ये रिजल्ट बताता हूँ ये BSE इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करके जो PDF है उसी से पढ़ के बताता हूँ। आप इस रिजल्ट को, जो भी मैं ये आंकड़े बताता हूँ जो लिखे हुए हैं वही बताता हूँ, आप इसको रिजल्ट को अपने आप डाउनलोड करके और फर्दर एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसको समझिए चीज़ों को, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो कि खाली बताने से मतलब प्रॉफिट ही एक अकेली चीज़ नहीं होती कि प्रॉफिट हो गया। आपने देखा होगा कि बैंकिंग शेयर में प्रॉफिट का कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता। कई बार देखिए आपकी इंटरेस्ट अर्न कितना है, मेजर NPA देखा जाता है, तो इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो अलग अलग स्टॉक्स पे हुई है। मैं आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ, रिवेन्यू कितना हुआ, NPA क्या है, बेसिक मैं आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझें पढ़ें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और ये देखिए, अभी फिलहाल मैं इसके रिवेन्यू की बात करता हूँ, तो देखिए रिवेन्यू जो टोटल इनकम यहाँ पे मुझे दिख रही है वो 611 करोड़ की दिख रही है इस क्वार्टर में, यानी कि जो सितंबर 2019 वाला क्वार्टर है, 611 करोड़, यही रिवेन्यू कितना था, 580 करोड़ था जून में और 556 करोड़ था लास्ट ईयर सितंबर में। तो अच्छा खासा जंप मुझे यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। अब बात आती है एक्सपेंसेस की, क्योंकि टोटल इनकम के बाद कई सारे कॉस्टिंग लगती है कंपनी के ऊपर, तो एक्सपेंसेस आप देखोगे तो ये देखिए एक्सपेंसेस 430 करोड़ के हैं, जो कि लास्ट ईयर सितंबर के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो कि 148 करोड़ से बढ़ के 181 करोड़ तक चला गया। उसके बाद फिर टैक्सेशन होती है आपका, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ये टैक्स एक्सपेंस को अगर आप टोटल आउट करोगे तो इस बार टैक्स एक्सपेंस काफ़ी कम है, 33 करोड़ का टैक्स है और जो कि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में 57 करोड़ था। मतलब टैक्स में भी आप कमी देख पा रहे हो, इसका मतलब कि प्रॉफिट में जंप आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो जो मैं यहाँ पे प्रॉफिट देख पा रहा हूँ, देखिए 154 करोड़ का प्रॉफिट है, मैं इसे कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में मात्र 94 करोड़ था और जून में 112 करोड़ था। अभी सेप्टेम्बर से सेप्टेम्बर आप कंपेयर कीजिए, अगर ये 100 होता तो सीधे 54% का यहाँ पर आपका गेन है, लेकिन ये 95 करोड़ है तो इसका मतलब कि 60% के आसपास। ये देखिए मैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, राउंड अप करके यहाँ पे देखिए 60% के आसपास का प्रॉफिट में जंप
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है ये जो नेट प्रॉफिट आया है। तो यही तो चीज़ है, ये जो नेट प्रॉफिट इतना अच्छा आना था तो इसीलिए स्टॉक पहले से काफ़ी मूवमेंट दिखा रहा था। यहाँ पे आप देखिए अर्निंग पर शेयर देखिए, जो अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 21 रुपये का था, वो अभी के टाइम पे 34-33 के बीच में है, मतलब 34 रुपीज़ के आसपास है। राउंड अप करके अगर देखा जाता है, 21 रुपये से 34 रुपीज़ तक जाना अपने आप में एक बहुत बढ़िया अर्निंग पर शेयर भी देखे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आती है हाफ ईयर की बात, लास्ट ईयर की अगर हाफ ईयर में देखा जाए, फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में देखा जाए, तो 41 का अर्निंग पर शेयर था और इस बार ये 60 के आसपास, यानी कि 58-59 के आसपास जा चुका है। बहुत ये भी अगेन ए पॉजिटिव थिंग है स्टॉक के बारे में। आप देख रहे हो क्लियरली किस तरीके से ये प्रॉफिट बढ़ा है, यही मेन रीजन है स्टॉक में जंप का, जो आपने देखा है कि भाई स्टॉक जब शेयर का प्राइस रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, तो भाई अगली जब मार्केट ओपनिंग आवर होगा वहाँ पे शेयर का प्राइस जंप करेगा, और इसने रेस्पॉन्स आपको दिखाया सीधे सीधे 8% का जंप, इसने बढ़िया रेस्पॉन्स दिया इन्वेस्टर ने इसके रिजल्ट को, मतलब काफ़ी पॉजिटिव है इन्वेस्टर इसके रिजल्ट की तरफ। लेकिन अब स्टॉक को देखा जाए, जनरली जैसे मैं देखता हूँ कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो रिजल्ट आने से पहले ही आपको मोमेंटम देखने को मिल जाता है, और जब तक रिजल्ट आता है फिर तब तक वो लास्ट कुछ उछलता है, और अभी देखिए बिल्कुल पीक के आसपास पहुंच चुका है। जो पीक है वो 3830 के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है, जो लास्ट पीक है। तो मतलब अब ज़्यादा उछाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से शेयर अब करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर देख रहे, जैसे मैं कह रहा था कि Q2 नतीजे से पहले ही काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है, ये आप स्टॉक में क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ 11 अक्टूबर के बाद शेयर ने चाल पकड़ी थी, और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने जो चाल पकड़ी है, वहाँ से ये 3100 के लेवल से सीधे 3700 यानी कि 600-700 रुपये पर शेयर की इसने कमाई करके दी है। और ये एक घंटे का ओपनिंग आवर देखिए, कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ कितना बड़ा हाई इसने बनाया है। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले कुछ सेशंस में आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के टावर इवन लास्ट के 3-4 दिनों में 22 अक्टूबर 23 24 और 25 इन 4 दिनों में क्या जंप इसने दिया है। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है किसकी तरफ, ये सारा का सारा क्रेडिट अगर जाता है तो वो जाता है रिजल्ट की तरफ, जो Q2 के रिजल्ट आने वाले थे। और यहाँ पे आप इस लाइन को देखिए, जो पुराना ये ब्रेकआउट के लाइन में कहूँगा इसको, ये देखिए ये प्रायर रेजिस्टेंस था, ये देखिए 2 बार का ये रेजिस्टेंस था, इसको पार करने के बाद इसने ऊपर क्लोजिंग दिखाई और रिजल्ट आया, फिर तो इसने पार जाना ही था। ये क्लियरली आप देख सकते हो कि पार तो जाना ही था। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर मैं फाइजर की बात करता हूँ, जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ये फाइजर है, फाइजर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अक्सर जो मुझे पुराना डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पीक के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। गोल्डन क्रॉसओवर की जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर आया था नवंबर 2017 में क्रॉसओवर के बाद की गिरावट देखिए, 1800 की रेंज में अगर इसमें किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो जनरली बहुत बढ़िया रिटर्न उसको मिला है। मिलने के बाद शेयर जब 200 डे मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज के पास आया, तो वहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। अक्सर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सपोर्ट जोन 2, 3, 4, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जरूर गया, डिमांड जोन, मतलब एक आप देखते हैं ना कई बार एक्यूमुलेशन जब शेयर में होता है ना, वो एक डिमांड जोन के आसपास होता है। डिमांड जोन यहाँ पे जो देख रहे हो आप, वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, क्लियरली देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 4-4, 5-5 इंस्टेंस में मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है, लोग इसको खरीदारी करते हैं। उससे पहले फार्मा में डाउन भी आया था 2016-17 में, तो डेफिनेटली इसका भी पूरा सेक्टर जब डाउन था तो उसका असर इस पर भी देखने को मिला, और ये स्टॉक भी 2015 के बाद लगातार गिरा और 2600-2700 के लेवल से गिरता गिरता जो इसने लो बनाया, 1600 के आसपास का लो इसने बनाया है, कई दिन कंसोलिडेट हुआ और फिर जाके अभी अक्टूबर 2017 से इसने रिकवरी स्टार्ट करी है। और उससे पहले देखिए ये डेथ क्रॉस इसमें बन चुका था, कोई निकलने वाला हो तो यहाँ पे निकल गया होगा, ये गोल्डन क्रॉस बन चुका था। तो ये सारी चीज़ें आप फाइजर के शेयर में देख रहे हो, कैसा इसने मोमेंटम दिखाया, कैसा इसका रिजल्ट आया। इसके अलावा ये स्टॉक एक बड़ा डिविडेंड भी दिया करता है, खास करके फाइनल डिविडेंड, आप देखिए लास्ट डिविडेंड जो इसने 22 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था, तो बढ़िया डिविडेंड भी दिया करता है। ऑल दो प्राइस के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा वो डिविडेंड है नहीं, और अब तक इसने 4 बार बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं, लास्ट बोनस 2000 में दिया था, लेकिन 4 बार इसने अब तक बोनस शेयर भी इशू किए हैं। और साथ के साथ अगर मैं इसकी प्रोमोटर की बात करूँ, तो ये देखिए प्रोमोटर, अलग अलग प्रोमोटर यहाँ पे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग, ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग 64% के आसपास है। तो प्रोमोटर के जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये मेजर प्रोमोटर यहाँ पे वैत LLC और फाइजर ईस्ट इंडिया BV इसका एक मेजर प्रोमोटर है। इसके अलावा बड़े शेयर होल्डर कौन यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो देख लीजिए आप। बड़े शेयर होल्डर की बात आती है तो LIC का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आदित्य बिरला, सन लाइफ के अच्छे खासे शेयर्स हैं,
और उसके अलावा आप देख पा रहे हो अतुल लिमिटेड के शेयर से, देखिए अतुल लिमिटेड जो एक टॉप की फार्मा कंपनी यहाँ पे देखी जाती है, उसके भी यहाँ पे 9 से 10 लाख शेयर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं, आप देख पा रहे हो क्लियरली। चलिए ये अपडेट था यहाँ पे फाइजर का, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए किस तरीके से आपने मोमेंटम देखी, और आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और आपको क्या ऐसी मोमेंटम किसी स्टॉक्स में देखने को मिली है जो आपने ऑब्जर्व करी हो, उसको कमेंट के थ्रू जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल मैं वाइंड अप कर रहा हूँ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।